सेरिब्रल कोर्टेक्स लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये आउटर सरफेस है ब्रेन का जो प्रोसेस करता है थॉट, इमोशन, लैंग्वेज, मेमोरी को। सेरिब्रल कोर्टेक्स को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड किया जाता है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। कॉर्पस कोलिजम के थ्रू दोनों हेमिस्फेयर आपस में कनेक्ट है। ईच हेमिस्फेयर में फोर लोब्स प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब। लेफ्ट हेमिस्फेयर में भी ये चारों लोब्स प्रेजेंट है और राइट हेमिस्फेयर में भी ये चारों लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल लोब, ये लोब फ्रंट में प्रेजेंट है। फ्रंटल लोब सेपरेट होता है पेराइटल लोब से सेंट्रल सल्कस स्पेस के थ्रू। टेम्पोरल लोब से फ्रंटल लोब सेपरेट होता है लेटरल सल्कस स्पेस के थ्रू। मेन फंक्शन है फ्रंटल लोब का प्लानिंग करना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन। सबसे आगे के पार्ट को फ्रंटल लोब के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं। फ्रंटल लोब में मोटर कोर्टेक्स एरिया प्रेजेंट है। ये सेल कंट्रोल करती है बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट में और सेंड करती है कमांड को सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मोटर कोर्टेक्स न्यूरोन को मिरर न्यूरोन भी कहते हैं। ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये न्यूरॉन तब भी एक्टिवेट हो जाते हैं जब उस एक्शन को कोई और परफॉर्म कर रहा हो, बस हम ऑब्जर्व कर रहे हो उस एक्शन को। मोटर कोर्टेक्स के इस फंक्शन को मिरर न्यूरॉन कहते हैं। ब्रोकी एरिया लेफ्ट फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। इस एरिया का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में। ब्रोका फेसिया डिजीज होने से पर्सन जो है अनेबल हो जाता है अंडरस्टैंड करने में रिटन या स्पोकन लैंग्वेज को। पेराइटल लोब, ये लोकेटेड होता है टॉप मोस्ट और बैक ऑफ द ब्रेन में। ये लोब कंटेन करता है सोमेटो सेंसरी कोर्टेक्स एरिया। ये एरिया रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को बॉटम मोस्ट बॉडी से और सेंड कर देता है पेराइटल लोब में। ये प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को स्किन और इंटरनल बॉडी में, रिसेप्टर, टच, टेम्परेचर और बॉडी पोजीशन में। वर्निकिया एरिया लेफ्ट पेराइटल लोब में प्रेजेंट है। ये एरिया अंडरस्टैंड करता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स को। वर्निकिया अफेसिया डिजीज, पर्सन जो है इससे सफर होता है, वो फ्लुएंटली बोल तो सकता है वर्ड्स को, लेकिन वो करेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता मीनिंग उस वर्ड का। ओसिपिटल लोब विजुअल एसोसिएशन कोर्टेक्स में प्रेजेंट है। कुछ पार्ट इसका टेम्पोरल और पेरिटल लोब में भी प्रेजेंट है इस कोर्टेक्स का। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में मीनिंग को, अंडरस्टैंड करने में विजुअल इंफॉर्मेशन को। टेम्पोरल लोब लोकेट है बिहाइंड द ब्रेन में। ये कंटेन करता है ऑडिटरी कोर्टेक्स को। ये प्रोसेस करता है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को। एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस एरिया भी टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है जो प्रोसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन, मेमोरी, लर्निंग में। फिनिस केस के नाम से एक स्टोरी वर्कर है जिसमें एक रेलवे वर्कर था जो गन पाउडर को पैक करने का काम करता था। एक दिन एक उस फैक्ट्री में मिस्टेक से जो है एक्सप्लोजन हो गया, जिससे उस वर्कर की लेफ्ट आई और लेफ्ट फ्रंटल लोब जो है डैमेज हो गया। इस एक्सीडेंट से मेजर चेंज जो है उसकी पर्सनैलिटी में हमें देखने को मिला। पहले वह रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग हुआ करता था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो डिसरिस्पेक्टफुल और उसमें जो है डिफ़िकल्टी होने लगी उसे प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, उसके लेफ्ट फ्रंटल लोब जो है डैमेज होने से।